सिख समाजजनों ने धर्मगुरु गुरु नानक साहब का 353वां जन्म दिवस प्रकाश पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर अल सुबह से देर रात तक समाजजनों ने गुरुद्वारे में जाकर सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। साथ ही ज्ञानी जी भगवान सिंह के शब्द कीर्तन का भी पाठ किया। इससे पहले गुरुद्वारे को सजाया गया। पर्व को लेकर समाजजनों ने अपने घर प्रतिष्ठान गुरुद्वारे पर विद्युत सज्जा की, आतिशबाजी की और खुशी का इजहार किया। गुरुसभा परिसर में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। समाजजनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। एक दिन पहले प्रभात फेरी निकाली गई। समाज के में जो बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएँ हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सोनकच्छ से रूपेश सिंह की रिपोर्ट। और क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन आप? आज गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा प्रकाश गुरुपर्व है, जो कि 553 साल हो चुके हैं। हर साल गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व सारी संगत और सारी हिंदुस्तान में हिंदू समाज, सिख भाई सारे हिंद मिलकर के ये गुरुपर्व मनाते हैं। और ये अपन परमात्मा से कृपा करते हैं कि हे परमात्मा, सारे हिंदुस्तान के ऊपर कृपा दृष्टि रखना, प्रेम प्यार सबको सिर को भात रखना और आपस में भाईचारा बना कर रखना। यही हम संदेश देते हैं। गुरु नानक देव जी ने हमेशा यही प्रेरणा सिखाई है कि संगत और पंगत, लंगर चला करके सारी संगत सारी श्रेष्ठ को एक बनाया है। तो हम चाहते हैं कि इसी आधार पे हम लंगर चलाते रहें, कीर्तन शब्द सुनते रहें और सब समाज को सुधार के अपने महाराज के चरणों में बुला करके आशीर्वाद देने की कृपाता करें। इसी करके अपन सोचते हैं कि सारे हिंदुस्तान में परमात्मा का आशीर्वाद दें और अपना जीवन सफल बनाए। आपका नाम बता दीजिए। ज्ञानी भगवान सिंह गुरुद्वारा सोनकच्छ।